के लिए हम। अच्छा ये बताइए, पति पत्नी के जैसे एकदम कस के पकड़ ले जैसे लग रहा है कि बताइए, तो अब यही जोर रहेगा कि फिर से जोर जोर नहीं। हम क्या जी के मुस्कान को दिखाइए, हम परमात्मा देखिए, इनके मुस्कान हम तो देखिए, इधर जो देखिए उप मुखिया जी, मुखिया जी हमको पकड़ लिए हैं, मतलब इन दोनों आपस में झगड़ा किए, लड़ाई किए, आपस में सहायता किए, अब हमको पकड़ लिए। भैया हमको काहे पकड़ रहे, मीडिया क्या करेगा उसमें। नमस्कार, दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में है और सिधौली पंचायत के मुखिया, दिव्यांग मुखिया हैं नागेश्वर दास, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये उप मुखिया प्रतिनिधि हैं वैद्यनाथ यादव, जो आज जुड़ रहे हैं। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहाँ पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM GNM BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC BNRC बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। पर आज हम इनसे भी जानेंगे और इनसे भी जानेंगे, ये हमारे साथ वैद्यनाथ यादव हैं और ये नागेश्वर दास हैं। आपको बता दें कि आपने इनका भी खबर देखा होगा कि हथकड़ी लगते हुए मुखिया जी जेल गए। आपने ये भी खबर देखा होगा कि पेठियागाछी में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और वो दोनों समाज, चाहे जो भी समाज था, जो भी पंचायत के लोग थे, उनको नुकसान झेलना पड़ा। अब इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस तरह का जब मौका आता है, इस तरह का जो लोगों का जो असमंजस होता है जब, तो लोगों को कितना नुकसान होता है और कितना फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मुखिया जी से ही कि आखिरकार आप दोनों में समंजस हुआ है या नहीं, ये भी जानना चाहेंगे। मुखिया जी क्या कहना चाहते हैं? हम दोनों भाइयों में सामंजस्य है और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी आशीर्वाद मांगता हूं कि इस मिलन का किसी को नज़र पुनः न लग जाए और हम लोग फिर से किसी राजनीतिबाजों के बातों में आकर के या अन्य किसी के बातों में आकर के गलत फहमी फिर से पाल लें और फिर से उसी तरह का घटना घटित हो जाए, इसके लिए हमारे तरफ से तो कभी ऐसा नहीं होगा। हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कभी ये दुश्मन थे आपके? जी नहीं, कभी दुश्मन नहीं थे और न हैं न रहेंगे। वो अब जो कह लीजिए उसको, मतलब दिन का दोष कहिए या जो कह लीजिए या जिस तरह से कह लीजिए, जो हुआ उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं और उनसे भी हम लोग जो जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पुनः जनता का नुकसान हुआ कि नहीं। जी इसमें तो लॉस तो हम लोग का तो जो है सो है ये है, जनता का तो उससे भी ज़्यादा नुकसान है। अच्छा ऐसा क्या हो गया कि जबरदस्ती पत्थरबाजी हो गया, पूरा पंचायत ऐतिहासिक मतलब पत्थरबाजी, युद्ध के जैसा नज़ारा हो गया था, ये कहाँ से क्या उत्पन्न हो गया? अब यही तो सोचने वाली बात है कि हुआ क्या था, जो भी हुआ गलत हुआ। ये बात मानते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए कभी वो हुआ और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा मुखिया जी बोलता है क्या कि दिव्यांग मुखिया है लेकिन बोलता है कि जो कहा, मतलब गांव घर में बोलता है कि नंगरा बहुत बदमाश छो, क्या मुखिया जी सही है क्या? मुखिया जी सही में बदमाश है क्या? देखिए अब लोगों को, मन को तो हम नहीं रोक सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं। यदि हम बदमाश रहते तो पिछले बार भी 20 कैंडिडेट मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे जिसमें हम सेकेंड प्रतिद्वंदी थे और 41 वोटों से हम पराजित हो गए थे। सन 2001 से हम मुखिया का चुनाव लड़ते आए हैं इस पंचायत में। मुझे गौरव है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है जो इस पंचायत में हम पैदा लिए, जहाँ के लोग हमारे जैसे अपाहिजों को भी अपने पावन चरणों में स्थान देकर मुखिया बनाने का काम किए। जिस मुखिया पद को पाने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े परिवार के लोग रुपया पैसा क्या क्या लेकर मैदान में खड़े थे, क्या क्या चीज़ बांट रहे थे। अब मेरे पास तो अपना खाने का भी उपाय नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी मेरा स्थिति वही है। और कुछ हमारे गाँव में जो दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, सारा गलती मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। मैं मुखिया थे, इतना कुछ हुआ, हम संभालने का बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ ना जाने किसका नज़र लग चुका था जो संभल नहीं पाया, यह केस मुकदमा में तब्दील हो गया और तब्दील होने के साथ साथ हम भी जेल गए, हमारी पत्नी भी जेल गए, हमारा बड़ा बेटा भी जेल गया और मेरा छोटा बेटा अभी भी जेल में है और इससे अपूर्ण क्षति हमको हुआ है। पहले से भी हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे। तो ये बात उस दिन क्यों नहीं समझे सो बताइए, आज जो इतना गिना रहे हैं दर्शक को, उस दिन क्यों नहीं समझे? कोई आदमी समझता क्यों नहीं है जब झगड़ा करने चलता है, किसी को गाली देने के लिए चलता है कि हम तुमसे कम नहीं हैं,
उस दिन क्यों नहीं समझता है आदमी, बताइए। बहुत हम इसको संभालने का प्रयास किए, लेकिन किसी का नज़र लग चुका था, नज़र ये लग चुका था कि बहुत सारे लोग हमारे समर्थक हैं, तो कुछ तो विपक्षी भी हैं। अच्छा। तो उन विपक्षियों को रास नहीं आ रहा था। एक छोटा सा गांव पेठियागाछी सिधौली पंचायत में एक वार्ड का गांव है, जहां दिव्यांग होकर के मुखिया बन गए, नीचे जात वाले लोग मुखिया हो गए, वहां पर उप मुखिया भी बन गए, यहां पर पंचायत समिति भी हो गया। तो शायद कुछ लोगों को लगा कि कहीं अपने गांव को ही नहीं विकास अधिक कर लें, इसीलिए लोग हमारे गांव पर नज़र गड़ा दिए, हम लोगों को आपस में लड़ा दी। कुछ देर के लिए हम भी किसी के बातों में आ गए, कुछ लेकर देर के लिए हमारे जो भाई साहब उप मुखिया जी हैं या और कोई हैं वो भी आ गए। कुछ लोग वैसे थे जो मिलाने की वजह हम जो नहीं बोलते थे उस पक्ष को जाकर के बोल देता था, कुछ वो पक्ष नहीं बोलते थे तो कुछ हम लोगों को आके बोल देता था। हम लोग आपस में एक जगह बैठते नहीं थे जो इस बात का पर्दाफाश होता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार का यदि तुतु मैं एक जगह घर में, परिवार में या समाज में कहीं भी यदि हो जाता है, तो उसको आपस में मिल बैठ करके घर में, परिवार में और समाज में ही इस तरह का निदान कर लें। नहीं तो जो आज दुर्गति मुझे हुआ है वह दुर्गति सबों को होगा। अपना रुपया पैसा भी गया, अपना इमेज भी गया, इज्जत भी गया, जेल भी गए, और अपना रुपया पैसा दे करके दूसरे के पीछे पीछे घूमे भी, बवाए भी, किसी को कोई वकील के पीछे घूमे, मुंशी के पीछे घूमे, पुलिस के पीछे घूमे, कोर्ट में घूमे, कहाँ कहाँ घूमे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे मुखिया जी, उस दिन क्यों नहीं समझ रहे थे, आज दर्शक को बताने के लिए आए हैं, फरमाइज करता है क्या, कहाँ पर बचना चाहिए लोगों को, आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे थे उस दिन? बचना, जैसे मुखिया जी बोले ना कि बचना उसी जगह चाहिए जहाँ कि हमारे बारे में गलत उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उनके बारे में गलत हमको इन्फॉर्मेशन मिला, इस तरह से, और लड़ाने वाला बीच में अपना मजा लेके निकल गया। तो हम सोच रहे हैं कि मुखिया जी गलत है, मुखिया जी सोच रहे हैं कि बैद्यनाथ गलत है। सजा आपको मिल गया? सजा हम कितना केस कर दिए मुखिया पर, कितना किए थे बताइए? तब वो तो खैर बाद की बात नहीं है। मतलब कितना केस करना पड़ा वो थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। केस तो शायद एक ही केस, एक ही केस हुआ, एक ही केस हुआ। आप क्या धारा, मतलब क्या आरोप लगाए थे इन पर? देखिए, अब वो तो केस तो सब, मतलब कोई सा भी हो केस झूठ का ही होता है, केस कभी भी सत्य का होता ही नहीं है। केस के लिए जो आप ये कीजिएगा, सो केस कभी सच का नहीं होता है। आपको कितना दिन रहना पड़ा जेल में? हम भी लगभग 7-7.5 महीना, 7.5 महीना रहे। कभी सोचे थे कि जेल जाएंगे? कभी सोचे भी कभी खदान में कोई गया था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं हुआ था। लेकिन पहला हम थे जो है। अच्छा, नुकसान कितना हो गया? नुकसान के लिए तो खैर सोचना ही नहीं, पूरा नुकसान ही नुकसान। बताइए कितना लाख इसमें? अब लाख का तो सोच लीजिए ना कि हम जो रहे तो कितनों कम होगा। धंधा पूरा धंधा चौपट हुआ, सुहा ऊपर से पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहा उस मामला में, जब हम ही एक थे और चले गए, तो आप जान सकते हैं कि कितना क्या, तो उसका आंकड़ा लगा। अच्छा, क्या स्थिति उस समय में, भावनात्मक स्थिति होता होगा, पत्नी बेचारी रोती होगी, बेटा लोग जाता होगा मिलने के लिए रोता होगा, क्या स्थिति क्या था उस समय में, क्या लग रहा था, क्या सोच रहे थे उस समय में? यही तो सोचना है लोग को कि आवेश में आके कोई भी आदमी हो झगड़ा कर ले कि लड़ाई कर ले, लेकिन वहां जाने के बाद समझ में आता है कि हम ही क्या कर लिए, समझ में आता है जेल में जाने के उसके बाद समझ में आता है कि हम क्या कर लिए, उससे पहले किसी को नहीं समझ में आता है। चाहे कितनों पैसा है आपके पास, आप अगर एक बार वहां चले गए तो औकात समझ में आ जाता है, आ जाता है, वो आपको समझ में आ गया था, सबको आता है वहां जाने के बाद, सबको आता है, हमको तो आ ही गया था, सबको आता है। अच्छा, ये बताइए कि नुकसान की बात अगर करें, जनता का भी नुकसान हुआ है ये मानते हैं? नुकसान हुआ है जनता को, जनता की, जनता के तरफ से, जनता को हम यही कहेंगे जो हमसे जो गलती हुआ, जो हमारे चलते किसी को नुकसान हुआ, उसके लिए हमको क्षमा कर दे, हमसे जो बन पाएगा, हमसे जो सहयोग मिल पाएगा, वो हम आपके सेवा में तत्पर रखे। कभी फिर भविष्य में ऐसा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, कभी भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है, किसी भी झगड़ा के बीच बिचौलिया का ज्यादा योगदान होता है? जी, वही तो हम बोल रहे हैं, बिचौलिया मतलब जो बीच में झगड़ा ही लगा है बिचौलिए के वजह से। इसमें कहीं से न मुखिया जी मेरा खेत जोत लिए हैं, न मुखिया जी का खेत जोत लिए हैं, न मुखिया जी को हम कर्जा दिए हुए हैं, न मुखिया जी हमको कर्जा दिए हुए हैं,
झगड़ा लगा किस कारण से? तो यही तो बिचौलिया, मेन फंडा तो बिचौलिया है कि अब हमारे बारे अच्छा, में अचानक उस दिन सुबह सुबह, एक तारीख का दिन था 2022-2023 का, एक दिन का सुबह सुबह अचानक मतलब ये शुरू हो गया था, कितने बजे शुरू हो गया था ये? लगभग वही हमको लगता है 8-9 बजे के आसपास शुरू हो गया होगा। अचानक शुरू हो गया दोनों तरफ से पत्थर हाँ दोनों तरफ से ही हो रहा था, दोनों तरफ से हो रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत बड़ा मतलब गलती तो इतना बड़ा हुआ कि जिसको मतलब लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा मुखिया जी, हमको ये बताइए कि कितना केस कर दिए उप मुखिया जी पर? देखिए जी, इनको जेल जाना पड़ा बेचारे को, बताइए कि सोचे नहीं होंगे कभी कि जेल भी जाना पड़ेगा, कितना केस कर दिए? तो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जो इस केस ने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, नहीं कितना केस इनको, तीनों हनन हुआ इन पर। तो एक ही केस हुआ और एक ही केस हुआ जिसमें 36-37 आदमी इन्वॉल्व हुए, जो हम लोगों की तरफ से केस किया गया। ये बोल रहे हैं कि झूठा केस लगभग होता है, आप क्या मानते हैं? केस तो जो भी था उस समय का रियल ही था उसमें, नहीं, तो मतलब इनका ये कहना है कि अधिकतर केस बनावट ही होता है, अधिकतर होता है। अब केस में तो बहुत बात सही भी होता है, तो कुछ न कुछ तो उसमें तेल मसाला लगाना होता है, लेकिन वहाँ तेल मसाला लगाने वाली बातें नहीं थी। जो कुछ भी था उसका वीडियो भी था, सब कुछ था, उसका दृश्य जो हम कर रहे थे, जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो सब कुछ कैमरा में आ रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं कि नहीं? अब जो भी केस आप किए हैं बिल्कुल तैयार है, और हम अपने भाई के चरणों में, हम अपने आप को हम कभी मुखिया नहीं समझे हैं, ना मुखिया समझेंगे। हम जनता भी भगवान है, हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे, और इस मिलन में लोग हमको, हम तो वैसे भी निरंकारी हैं, हर नर में नारायण को दर्शन करते हैं। देखिए देखिए गला, हम लोग घूमिए, हम लोग नारायण को दर्शन करते हैं, और हम लोग मालिक नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। अच्छा भारत उदय समाचार आया है इस नेक काम के लिए, इसको कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गलत काम किया है। भारत उदय समाचार को हम हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं, तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भारत और उदय माने ज्ञान का, जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो भ्रम की समाप्ति होती है। हमको लगता है कि भारत उदय समाचार में ये कुछ ब्रह्म ज्ञान का भी प्रभाव है, जो समाज में इस प्रकार से लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटते मरते हैं, तो वो चिंतित होते हैं। नुकसान मेरा हुआ, हम दोनों भाइयों का हुआ, हमारे समाज का हुआ, हमारे पंचायत का हुआ, लेकिन उस दिन से जो आपको जो हम चिंतित देखे हैं, जो उसके लिए हम आपको हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये झगड़ा झंझट लड़ाई लोग कभी भी करता है, उसको मतलब एक बार करने से पहले 100 बार सोच ले, और यही अंजाम सहन शक्ति रखना चाहिए। जी जी, लोगों को सहन शक्ति रखना चाहिए। तो पहले था, अब नहीं है जी, अब नहीं है, अब मानते हैं कि अब नहीं जी, जी। अच्छा ये बताएं चैनल को क्या कहेंगे, धन्यवाद क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, जो काहे दे रहे लोगों, हम लोगों के बीच बिचाव में जो सहयोग किए हैं उसके लिए। अच्छा हम ये बताइए, पति पत्नी के जैसे एकदम कस के पकड़ ले जैसे लग रहा है कि बताइए, तो अब यही जोर रहेगा कि फिर से जोर बढ़ा दे? मुस्कान को दिखाइए, हम परमात्मा, देखिए इनके मुस्कान, हम परमात्मा भाई साहब मानकर कहते हैं, और हम अपने जनता को भगवान मानकर उन्हें भी प्रणाम अर्पित करता हूं। गुटका का भी कसम खाए थे? गुटका खाए हैं कि पान खाए? पान खाए, गुटका नहीं ना खा रहे हैं, कसम खाए थे। इस तरह का कहीं भी कोई माहौल बनता है तो खुद को संभालिए, क्योंकि बात वहीं पर आएगा, बात वहीं पर आएगा। देख रहे हैं ना, इनको समझ में आ गया, इनको समझ में आ गया, गले मिल लिए। हम जब रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे उस गांव, तो हमने देखा कि पूरा नज़ारा पत्थर से भरा हुआ है। अब ये सोच में पड़े थे कि इनका गलती है कि इनका गलती है। रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने वीडियो दिया, इन्होंने आरोप लगाया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने मजा लिया, बहुत सारे लोगों ने पैसा का मजा लिया, इनसे पैसा ठगा, इनसे पैसा ठगा। क्या ये बात सच्चाई है कि नहीं जी? क्या ये बात सच्चाई है? 100%। तो समझ सकते हैं ना किसका फायदा हो रहा है, जब आप कोई झगड़ा करते हैं तो फायदा किसी और का हो जाता है। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जमीनी विवाद हो, थोड़े थोड़े जमीन के लिए थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा ना करें। हम ये पूछेंगे कि अब विकास के लिए दोनों आदमी साथ में रहेंगे सर? हम अपने जनता से भी सहयोग का अपेक्षा करते हैं, और हम उन्हें बैजनाथ भाई, तो हम दोनों ग्रामीण भी हैं, पहले से भी हम दोनों भाई हैं, और परमात्मा का असीम कृपा है कि हमको
इस तरह का मुखिया प्रतिनिधि, हम तो उप मुखिया इन्हीं को मानते हैं। अच्छा ये बताइए, मेरी भावो उप मुखिया है, ये बताइए कि अब पार्टी है? पार्टी आप दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं, सो बताइए। पार्टी हम ही देंगे। आ? क्या क्या चार है? हाँ ठीक ठीक, यही यही, क्योंकि हम मुखिया हैं तो हम चाहे कितना दिव्यांग है, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है, हम लोगों लेकिन को भी, मुखिया, हम लोगों को भी बुलाइएगा, लेकिन मुखिया पर हम पूरे पंचायत वासी को भी बुलाएंगे। और आपको तो, आप तो मीडिएटर भगवान के रूप में काम किए हैं, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। सभी लोगों को समझना चाहिए मुखिया जी, सभी लोगों को समझना चाहिए, जितना प्रयास हमको लग रहा है, हमको लग रहा है कि 7 लाख रुपए के करीब आपका नुकसान हुआ है, उनका भी 5 लाख रुपए नुकसान हुआ, 7-5 12 लाख रुपया होता है। किसी गरीब लड़की का शादी करवा देते तो कितना बड़ा फायदा होता है कि नहीं? जी सही बात है। तो आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं? जी, जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए आप, मतलब तो ये जो जो झगड़ा था उसको आप देख सकते हैं कि साथ में है। और इस बार जो तिरंगा झंडा फहराया गया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, ये सभी लोग साथ में थे और बहुत अच्छे तरीके से मनाए हैं। तो हम आशा करेंगे कि ऐसे ही ये सभी लोग जुड़ कर रहें, बेहतर समाज का निर्माण करें, बेहतर पंचायत को सजाएं। और जो लोग हार जाते हैं ना, जो लोग कम वोटों से हारते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, जिनका मनसा होता है कि मुखिया बने, उन लोगों का भी काफ़ी रोल रहता है झगड़ा कराने में और झगड़ा को बढ़ाने में। तो ऐसे में हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि खुद को संभालिए, समझिए। क्या मुखिया जी क्या संदेश देंगे? हम ठीक कहते हैं लोगों को, हम तो जो लोग हमसे चुनाव हारे हैं उनका भी मुखिया मैं हूँ, उनको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ कि हो सकता है कि कल आप भी मुखिया हो सकते हैं, कल हम चुनाव हार सकते हैं, या हो सकता है शरीर ही मेरा न रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम उच्च विचार हमेशा रखना चाहिए। कोई आदमी यदि लड़ जाए झगड़ जाए तो उसमें आग, उस आग में पानी देने का काम करे, ना कि और नफरत को बढ़ाने का काम करे। जी ऐसा काम जो कोई करेंगे, हम हों, आप हों, अथवा कोई भी हों, जो कोई औरों को सुख नहीं देखना चाहेंगे, औरों को लड़ाएंगे, उनके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। जी सही बात है। और हम ये चाहेंगे, मुखिया जी से भी कहेंगे कि हमसे जो सहयोग की अपेक्षा रखते हैं वो हम सदैव तत्पर हैं, हमके विकास कार्य में सब मिलकर के रल मिलकर सहयोग करें। और हमारे हम अपने कैबिनेट से भी प्रार्थना करेंगे कि पंचायत के विकास कार्य में सब आदमी मिलजुल करके एक जगह है, मतलब उनको जो चाहिए आपसे ले, एक जगह है, छोटी छोटी बातें हो सकता है। इस बार तो पंचायत का जो स्थिति है पूरे बिहार के लिए वह सुंदर नहीं है, वो आपको भी पता है, सभी मुखिया की पंचायत विकास कार्य को करने में फंड बहुत कम सरकार दे रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सरकार का भी ठीक नहीं है। आज देख रहे हैं कि नल जल पीएचडी, तो देखिए इधर जो देखिए उप मुखिया जी, मुखिया जी हमको पकड़ लिए हैं, मतलब इन दोनों आपस में झगड़ा किए, लड़ाई किए, आपस में सहायता किए, अब हमको पकड़ लिए। भैया हमको काहे पकड़ रहे, मीडिया क्या करेगा उसमें? तो कहने का मतलब है कि सभी लोग संभल जाइए और देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।